नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर शाहजहांपुर से। एसओजी एवं थाना रोजा की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। दिन दहाड़े 4 लाख रुपए छीनने की घटना का किया सफल अनावरण। सूचना देने वाले ने दी थी रुपए छीनने की झूठी सूचना। रुपए हड़पने की नियत से खुद ही बनाई थी घटना की योजना। 3,85,000 रुपए बरामद। 12 मई को असलम खान पुत्र बशीर खान निवासी पिलखना थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर द्वारा थाना रोजा पुलिस को सूचना दी गई कि वह रोजा मंडी से आरती श्यामलाल रविंद्र कुमार की आड़त से 4 लाख रुपए कैश उधार लेकर मोटरसाइकिल से हाईवे रोड धावलखेड़ा की ओर जा रहा था कि दो अपाचे मोटरसाइकिल सवार द्वारा उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसे 4 लाख का बैग छीनकर भाग गए हैं। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया एवं थाना रोजा पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसी क्रम में घटना के खुलासा हेतु लगाई गई संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के माध्यम से गहनता से छानबीन की गई तो घटना संदिग्ध प्रतीत हुई, जिसमें वादी मुकदमा असलम से कड़ाई से पूछताछ की गई तो असलम खान द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा रुपए हड़पने की नियत से इस घटना की योजना बनाई गई थी एवं पुलिस को झूठी सूचना दी गई। वादी मुकदमा के बयानों एवं निशानदेही पर घटना से संबंधित उसके घर से 3,85,000 बरामद किए गए एवं उसके द्वारा बताया गया कि 15,000 रुपये मैंने ईद पर खर्च कर लिए हैं। बरामदगी के आधार पर असलम खां को उसके घर से गिरफ्तार किया गया एवं थाना रोजा पर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट।